ये पक्का ये मम्मी ने ली होगी है ना, ये जब मैं पता होगी खरगोश ये भाई आए थे थक गया हूँ मैं कि मैं बताया कॉपी कॉपी करके लाया ना सकती है राज। ये त्योहार सभी जातियों का होता है। आपको सिखाता हूँ आलू बम सिखाता हूँ। So, hey guys, welcome back to my channel. कैसे आप सब लोग, आई होप यू ऑल फीलिंग गुड। और आज है दिवाली और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भाई दिवाली जैसे मैंने आपको बताया मेरा फेवरेट दिन है, तो आज मैं जल्दी जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे लेट नहीं करना था। बाकी दिनों की तरह मैं लेट उठता हूँ भाई, पूरा दिन खाली हो जाता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज का दिन मुझे करना ही नहीं था खराब, जैसे मैं जल्दी जल्दी उठ के अभी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो बस आप सबको दिवाली विश करते हैं, आप भी हाँ अपने बड़ों को जाके विश करें और उनकी हेल्प करें दिवाली पे। मैं यही चाहता हूँ भाई, थोड़ा बढ़िया फेस्टिवल है तो मजे करें। सो भाई सबसे पहले जो हमें विश करने को मिला है हमारे घर में वो कौन मिला है, हमारा जॉश। क्या गाइस आज दिवाली है, विश नहीं करेंगे? हैप्पी दिवाली गाइस, होप कि तुम आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं बढ़िया हूं, तू भी बढ़िया है, लेकिन विश तो कर दे, उन्हें तो कर दे। दिवाली हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हम जा रहे हैं छोटा बम बनाने। कौन सा बम है ये? पॉपिट। पॉपिट यस। ये कौन सा बम है? ओके हां ये छोटा रहता है। ओ तेरी अबे, ओ पैर में मारेगा क्या? अब हम आ गए हैं अपनी छोटी को दिवाली विश करने। वो जैसा कि हमेशा की तरह वो अभी भी सोई नहीं है। तो हैप्पी दिवाली कर दो भाई सब आप लोग भी, और वो भी आपको कर रही है, बोल नहीं रही है लेकिन कर रही हो। हैप्पी दिवाली। तो भाई नीचे सबके साथ चलते हैं, भाभी को हैप्पी दिवाली कह, भाभी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। और मेरी उसको भी कह दो ऑडियंस को हैप्पी दिवाली एवरीवन। सब भाई बाकी लोगों के पास चलते हैं नीचे, क्या कर रहे हैं सब। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली सबको, ऑडियंस को विश कर दो। मेरी ये लो प्रसाद, प्रसाद खाओ भाई, सुबह सुबह प्रसाद खाओ, प्रसाद का भोग लगाओ सभी, ठीक है। हनुमान जी की पूजा हुई है भाई, तो उन्हीं के अभी प्रसाद है। आपको टेलर लोग दिखाते हैं, टेलर लोग जो काम कर रहे हैं बाकी। ये पता नहीं कौन सा अपने आपको वो समझता है फैशन डिजाइनर। चल भाई तन्नु हैप्पी दिवाली, सेम टू यू, और मेरी ऑडियंस को भी हैप्पी दिवाली कर। हैप्पी दिवाली गाइस, कर डरा के करवाऊंगा मैं। सो हैप्पी दिवाली मम्मी, हैप्पी दिवाली। ये क्या चल रहा है मम्मी? ये पूजा चल रही है, पूजा चल रही है, पूजा चल रही है। अच्छा ये तो वो है मंदिर वाली है, ये लेके आए थे हम जब धनतेरस वाले। ओह भाई शॉपिंग तो देखो इनकी, धनतेरस की दिखाना, जरा दिखाना देखो भाई धनतेरस पे ये शॉपिंग करी है इन्होंने। छोटा मोटा सामान तो खरीदते ही नहीं है, चम्मच खरीद ली, और ये भी ओह चम्मच बात कर, ये पक्का ये मम्मी ने ली होगी है ना, ये चम्मच पक्का यार पता ही चलता है। ये ये हमारे भगवान जी लेके आए हैं पूजा करने के लिए। तन्नू थोड़े वो देगी को। आ जाओ गाइस एकदम माल हाथों हाथ मिल जाएगा आपका, ये ताजा ताजा माल मिल रहा है, ताजा ताजा माल है भाई साहब। 100 रुपए ज्यादा लगा रहे हो सर आप? अच्छा आओ तो पहले लेके तो जाओ पहले। तो आज ये भी आ चुके हैं फालतू फकेड़े लोग। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तुझे बोलने के लिए बोला मैंने, मेरी ऑडियंस को वो कर हैप्पी दिवाली बोल, हैप्पी दिवाली ऑडियंस। तो भाई तुझे पता है इस दिन हम क्या करते हैं? ये आज भी जबरदस्ती चीजें करवाता है मुझसे, और मेरे शॉर्ट बना बना के मेरी बेइज्जती करता है। तुझे पता तन्नू इस दिन हम क्या करते हैं? क्या करते हैं तुझे भी नहीं पता? नहाते हैं, पूजा करते हैं, दिवाली की तैयारियां करते हैं। नहीं मैंने सुना था पहले पेट पूजा करते हैं। हैप्पी दिवाली भाई, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इस दिन हम नए नए कपड़े पहन के अपने परिवार वालों के साथ मिलते हैं और नई दिवालियां बांटते हैं। खील बता से बांटते हैं। कल हम वो भी लेके आए भाई खिलौने, हमारा एक दोस्त है खिलौने लेने गया था, घोड़ा नहीं मिला उसको। हम भी लेके आए थे वो, तो घोड़ा नहीं मिला उसको। ये होते खिलौने, ये होते भाई खिलौने, ये डिजाइन के बने होते, किसी को ना पता हो तो। खिलौनों के बिना दिवाली अधूरी है। ये हमारे यहाँ जाटों में ही होते कि वैसे होते सब जगह? अच्छा ये देखो भाई ये कौन सा खिलौना है बताओ? ऊंट।
ये ऊंट मेरे को तो वो लग रहा था नहीं ये घोड़ा है नहीं बतख है ये बतख ऐसे होगी बतख ये कौन सी इमारत में ऐसे बतख होगी खरगोश ये भाई ये मैं बता दिया ये खुद वो है खरगोश और ये है बरसिंगा और हाथी का है और ये हाथी अगर ऐसे देखो हाथी है ऐसे है ये हाँ ये हाथी है भाई बड़े मस्त होते हैं खाने में खिलौने मीठे मीठे से क्या तो गाइस ये रंगोली बनाई जा रही है बहुत बड़े आर्टिस्ट बुलाए हमने ये बनाई तो सही है भाई तो गाइस कुछ टाइम बाद आ चुके हैं हम और अब तैयार वेयर होके बस दिवाली के रेडी भाई मेरा बहुत मन था कुर्ता पहनने का तो मैं कल गया था कुर्ता लेके आया स्पेशली दिवाली के लिए क्योंकि मेरे पुराने वाले कुर्ते भाई सब वो हो चुके थे क्योंकि फिटिंग जो है थोड़ी वैसी आ रही थी अभी भी इसमें भी देख रहे हो आप थोड़ा ज्यादा टाइट हो जा रहा है इस वजह से मेरे को छोड़ने पड़े नया कुर्ता लाना पड़ा पर ठीक लग रहा है थोड़ा लूज लूज है पहले वाले से तो इसे देखो इन्हें देखो सर को इन्हें देखो भाई हमारे घर में देख लो इन्हें कोई मतलब नहीं आज दिवाली है इनकी तैयारियां खत्म नहीं हो रही है इस मम्मी इस दिवाली पे कर लोगी पूजा कर लेंगे तैयारियां चले जा रही हैं दुनिया के भाई पूजा होगी बताओ दुनिया के यहाँ से प्रसाद आ गया भाई ये, और ये यहाँ पे देखो इनकी तैयारियां खत्म नहीं हो रही ओए कौन सा वाला ये अभिषेक कौन सा वाला ये ओ भाई दो दो बम लगा दिए ओ बम की आवाज सुनी कान में ना मेरे तो बहुत गंदी आवाज थी और ये हमारे ही घर से फूटा है हमारे यहाँ से बम अब ये दूसरे लग गए हैं नहीं सकती है राज भाई ये देखो मेरी इसे चला चला के आदमी बहुत थक गया और ये हमारी गली में रहता बगल में रहता हमारे ये भाई मेरे दो लौंडे भाई दोनों को कपड़े दिला के आया दोनों को कपड़े दिला के लाया हूँ इतना थक गया हूँ मैं कि मैं बताएं उल्टा तो कर लो क्या उल्टा नहीं तरफ और ये ऐसे देखो इसको देखो करण जौहर के साथ करण जौहर का कॉपी करके लाए ना करण जौहर का नाच दिखा दे एक बार वो तुम भी दिखा दो दोस्तों कोई बताओ कमेंट करना इनका नाच नहीं करेगा जरा नाच देख लेंगे इनका आज इनका नाच फटाके जो लाया था तो काम फटाके भाई मैं सारे फोड़ दिए ऐसे क्यों बनाता है वीडियो खराब हो रही हो ऐसे मत बना सारे फटाके फोड़ दिए मैं ब्रो दिल्ली से आए ना ब्रो फटाके फोड़ दिए मैंने सारे देख लो तेल का दिया मारेगा मेरे मुंह पे ये तो गाइस अब मैं आपको सिखाता हूँ आलू बम फोड़ना हाँ ये सिखाएगा और बम फटने से पहले तुम्हारी फटे से पहले भागो भाई इस आदमी ने जिंदगी में ना पतंग उड़ाई है दिवाली में पटाखे फोड़े और ये पटाखे फोड़ना सिखा रहा है ये भाई इतने लगाई अभी सुर्री में आग और ये बुझ गई देखा मैं कह रहा था इसको नहीं आया भाई पटाखे फोड़ने आग लगी भाई आग लगी फटाखे में आग लगी ब्रो आग लगी नहीं है ब्रो ब्रो आग लगी है क्या लगी है तुम बता ब्रो नहीं लगी ब्रो नहीं लगी जा क्या मैंने भी ब्रो चप्पल मार आग तो लगी है एक मार
एक से एक खिलाड़ी है यहाँ पे, चप्पल मारी जा रही पर निशाना नहीं लग रहा है इनसे। कोई बात नहीं, देखा मैंने आपको बोला था, क्या बोला था। और ये जो आ रहा लड़का, ये देखो, ये मैं आप जूम करके दिखाता हूँ, ये हर सैटरडे पार्टी देता है लोगों को, ये हर सैटरडे लोगों को पार्टी देता है, किसको आनी हो तो ले लेना। बम बेकार है। हाँ भाई आप बताइए, बम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमें। कमेंट करना जिस जिसको पार्टी चाहिए, ये बंदा सबको सैटरडे पार्टी देता है। इनके बच्चे का मुंडन आ जाएगा लेकिन इनकी पार्टी नहीं आएगी। फटाके में आग लगी है और यहां गांड फट गई है ब्रो। कैसा मजा आया भाई साहब? ब्रो यहां बहुत तेज फटाका फटा ली ब्रो। क्या वो फटाका तेज है तुम्हारी फटी तेज? यहां अभी की गांड फट गई ब्रो, इसकी आवाज आई बहुत तेज। कह रहे हो क्या? ये भाई बम फटने के बाद जो बहरे वो हो जाते हैं उनमें से ये। अरे यार जम्पा, कल न्यूज में आ जाएगा तेरा नाम। वो नहीं होते जो दिवाली के बाद विकलांग हो रहे हैं? अंकुश ने, अंकुश। हाँ अच्छा, बहरे की इतनी बड़ी बत्ती चिल्ले के आप भाग पाए दूर तक, तो इसलिए देखो चिल्ले मैंने भाई क्योंकि मेरी फटती है, पहले मैं निकल जाऊँ इसलिए। भैया उसको हटा लो। अच्छा छीलता क्यों है भागने के लिए? बहुत ही गंदा बम था भाई, बहुत ज्यादा पूरी हालत मेरे वो कर दिए, ची ची आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा ही गंदा। अबे ओ कहां से लाया था तू ये? भाई साहब कान वो कर दिए पूरे, टी 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 आवाज आने लगी। अभी फोड़ूंगा मैं, ये आखिरी था मेरा बम भाई, मेरा आखिरी बम, अब मेरी बस की नहीं है बम फोड़ने। चलो भाई फिर अंदर हो लो, पहली बम फटने से पहले अरे बुझ गया बुझ गया, पानी मार इसमें पानी। ओ अरे यार बम देखो इनके, और साइज इतना। भाई आखिरकार हमारे घर में पूजा शुरू हो गई। बत्ती ये लो बत्ती। सब लोग हैं हमारे साथ, अभिषेक, तन्नु, ये है एकदम बेवकूफ आदमी ब्रो आज हम। बहुत सी मेहनतों के बाद कितने घंटे बाद पूरी टाइम कितने बजे का था? 7:30। यस तो ज्यादा लेट नहीं हुआ, हम सिर्फ 10 बज रहे। यह त्यौहार सभी जातियों का होता है क्योंकि श्री महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने को इसे सभी मानते हैं। इसमें गणेश लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ कुबेर, इंद्र और विष्णु भगवान, सरस्वती, तो गाइस हमारे जो है रिश्तेदार हमारे सारे घर आ चुके और अभी अभी नीचे यहाँ पे जा रहे थे, हमें रस्ते मिल गए सर। हेलो गाइस, तो हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सबको। ये हमारे सारे ये दिल्ली से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आपको भी, आपको भी। और कौन बना है बाकी कहेंगे? चलो चलो भाई ऊपर चलते हैं। अभी पहले का आपको एक मैं बहुत बढ़िया फुंदरू दिखाता हूँ, ये लेके आए कांगे। कौन बनाए थे साहिल? ये देखो भाई हम मसाला तैयार हो रहा है, दिख रहा है ना मसाला सही। बताइए सर इसके बारे में बताते जाइए। क्या बताऊं भाई, ये भाई आए थे। वाह इसमें फूंक भी मार लिया कर ऊपर से आगे से। नाक को पास मत लेके जाए। बजा बजा, तुझे बजानी है? नहीं भाई यहाँ तक तुम्हारी तो ऐसी पैंट ढीली रखी उतर जाएगी, पैंट उतर जाती है। तो बाकी सारे लोग भाई यहाँ पे हमसे मिलने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सब यहाँ पे आए इसके पास।
हैप्पी दिवाली बोल दो भाई सब लोग। हैप्पी दिवाली भाभी, खुश रहो। टीला हो गया वो। हैप्पी दिवाली भाभी थी, अभी भी ऐसे ही है। एलियन के घर में तो कुछ भी ये बोलने वैसे बैठ रहती है क्या? हाँ ये भाई वही है जो सुबह गुड मॉर्निंग करी थी, जैसी गुड मॉर्निंग में थी वैसी ही शाम को भी है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं दिवाली वाली से। क्या हुआ भाई, क्या करना है, मेरे को क्यों बुला लिया यहाँ? मैंने कहा बुलाया, क्या करना है, तुझे क्यों बुलाया है, बैठने बुलाया है, तेरे से बातचीत नहीं करेगा, रिश्तेदार आए घर पे। मैं सोचा भी अमन के यहाँ जाना है, मेरे को उसको कुछ दे के आते 10 बज गए। क्या दे क्या हो गया तुम्हें? बहाना वो दिया, धोखा दिया, धोखा बोला मिठाई मिलेगी बाद में। वो तो यहाँ पर रह के भी दे सकता है। सबसे बड़ा धोखा कि मैं नहीं आ रहा, फोन करके बोल दे नहीं आ रहा, वो सॉरी मिठाई नहीं दे पाऊंगा इस बार। तो बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हो? आप तो बहुत देर से गायब थे। ओए फोन कर, क्या कह रहे हैं? कुछ लाना खाने को तो बता दे। भाई बोलते बहुत ज्यादा सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, कहते मेरा नाम है राज, मैं इस ब्लॉग पे आता रहूंगा।